वो दो पुत्र होंगे, दो ही पुत्रियां होंगी। एक बार ही वह अपने निवास से उत्तर की ओर स्थान परिवर्तन करेगा। मैं राहुल सैनी HR न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि भविष्यवाणी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें एक नास्त्रदम्स एक भविष्य वक्ता हुए हैं जिन्होंने भविष्य के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की है और जो काफ़ी सटीक भी हुई है, सच भी साबित हुई है। इनकी एक भविष्यवाणी और थी कि भारत में मुक्तिदाता पैदा होगा, कौन होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कुछ इन्होंने वर्णन भी किया है कि इन्होंने बताया कि वह सादा जीवन जीने वाला, सादगी भरा जीवन जीने वाला होगा, उसके दो पुत्र होंगे, दो पुत्रियां होंगी। अब वह कौन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमने जब रिसर्च किया, कुछ वीडियो हमारे को यूट्यूब पे मिली, इसमें एक संतरामपाल जी महाराज की भी वीडियो थी। उन्होंने कहा कि भी अपने जीवन परिचय में उन्होंने बताया कि हमारे कि दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। क्या यह भविष्यवाणी संतरामपाल जी महाराज पर सही सटीक होती है या किसी अन्य महापुरुष पर सटीक होती है? मैं इस भविष्यवाणी को संतरामपाल जी महाराज के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले जय गुरुदेव की भी कुछ भविष्यवाणी आपके सामने रखी थी। उनकी भविष्यवाणी थी कि 7 सितंबर 1971 को वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है और संतरामपाल जी महाराज कहते कि संतरामपाल जी महाराज के जीवन परिचय में जो उनका जन्मदिन है वो 8 सितंबर 1951 का है, तो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के हो जाते हैं। इसलिए मैं इस बात को थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या वो संतरामपाल जी महाराज तो नहीं हो सकते। और सभी प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना कि वह महापुरुष कौन हो सकता है और सभ्य कमेंट करना ताकि और भी देखे, उनको भी अच्छा लगे। ऐसे असभ्य कमेंट मत करना जिसको दूसरे को भी देखने में तकलीफ हो, अच्छा ना लगे। और आप भी अपना संस्कारी परिचय ना दें इस तरह लिख के, थोड़ा सा सभ्य भाषा में अपने कमेंट रखना। और इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बनाऊंगा सभी कमेंट्स के ऊपर। मैंने अभिषेक सिंगल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी ने कमेंट्स किए थे, उन सभी कमेंट्स को मैंने आपके सामने रखा था। इसी वीडियो पे भी मैं आगे सभी के कमेंट्स जरूर रखूंगा, सभ्य कमेंट करना। चलो आइए आपको भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं कि उनकी क्या भविष्यवाणी थी। और इसमें नास्त्रदम सिंह जी ने कहा कि फ्रांस के विख्याप्राप्त भविष्य वक्ता माइकल द नास्त्रदम्स की अन्य सैकड़ों भविष्यवाणी आश्चर्य रूप से सत्य घटित हो चुकी हैं। नास्त्रदम्स ने कहा कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी, लोग चरित्रहीन हो जाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों में किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश भारतवर्ष में विख्यात व्यक्ति जन्म लेगा। वह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे विषय में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष विचार क्रांति द्वारा एक ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर अंतर छिड़ जाएगा। इस क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत या 21वीं शताब्दी के आरंभ होगा। लोग आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देंगे, यह संसार फिर सुखमय सतयुगी बन जाएगा। उन्होंने भारत के अद्वितीय महापुरुष के विषय में कुछ स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। नास्त्रदम्स का कथन है कि भारत का वह अद्वितीय महापुरुष जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाएगा, वह सादे जीवन एवं ऊंच विचारों का होगा। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में चंद्रमा होगा, उसकी वेशभूषा बहुत ही सादी होगी, वह गृहस्थ होगा, उसके दो विवाह होंगे और दो पुत्र होंगे, दो ही पुत्रियाँ होंगी। एक बार ही वह अपने निवास से उत्तर की ओर स्थान परिवर्तन करेगा। उनकी इस भविष्यवाणी का विस्तृत विवरण अंग्रेजी पुस्तक सेंचुरीज एंड टू प्रोफेसिज ऑफ द माइकल डी नास्त्रदम्स में है। नास्त्रदम्स पर उनकी चौपाइयों में लिखी भविष्यवाणी का अर्थ निकालकर अन्य लेखकों ने पुस्तक लिखी है। इसमें जो लिखा गया कि उनकी सादगी वेशभूषा बहुत ही सादी होगी, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल साधारण से इंसान की तरह रहते हैं। उनकी वेशभूषा से ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि वो महापुरुष होंगे या संत होंगे, मतलब बहुत ही सिंपल सादा वाणा से वो रहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर तो सही सटीक नहीं बैठती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट व शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।